नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि सोमवार को सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया है, जिसके बाद उन्होंने पीएम से मुलाकात की। सम्राट चौधरी के साथ ही बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात की। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी से आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा की है। अगर आपने भी यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने की खबरें सुनी और हैरानी जता रहे तो निश्चिंत हो जाइए। एनपीसीआई ने आज कहा है कि यूपीआई से पेमेंट पर पुरानी व्यवस्था जस के तस है। इस पेमेंट सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। 2000 रुपए तक के पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन प्रीपेड वॉलेट के जरिए की गई यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट को चार्ज देना होगा। इसका ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शन की संख्या 1% से भी कम है। कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। बुधवार को उन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने राजभवन में शपथ दिलाई है। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे। कि विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने, उन्होंने संजय करोल की जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हेट स्पीच का त्याग एक मूलभूत आवश्यकता है। बता दें कि हेट स्पीच के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने यह टिप्पणी की है। बिहार की राजधानी पटना से झारखंड की राजधानी रांची पहुंचने के लिए लोगों को अब महज 7 घंटे की दूरी तय करनी पड़ेगी। दरअसल पटना और रांची के बीच अब वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने वाली है। रांची से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की तैयारी को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए और ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट और क्रू मेंबर को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस टाटी सिल्वे बीआईटी मिश्रा वर्ग काकना हजारीबाग होते हुए बिहार राजधानी पटना तक जाएगी। मोदी सरकार की तरफ से गरीबों और किसानों के लिए राशन कार्ड और पीएम किसान और आयुष्मान भारत समेत कई योजनाएं संचालित की जा रही है। अब सरकार की तरफ से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक नई सौगात लाई जाने वाली है। इसे आयुष्मान भारत 2.0 के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें मिडिल क्लास परिवारों के सदस्यों को कवर किया जाएगा। बता दें कि इससे देश के करीब 40 करोड़ लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। अमृतसर से हुजूर साहिब नांदेड़ बिदर और पटना साहिब की यात्रा के लिए पहली बार भारत गौरव पर्यटक ट्रेन गुरु कृपा यात्रा पर 9 अप्रैल को अमृतसर से रवाना होगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने व भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेल सिख धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए पवित्र शहर अमृतसर से गुरु कृपा यात्रा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करेगी। यह ट्रेन 7 दिनों की यात्रा पर 9 अप्रैल को अमृतसर स्टेशन से रवाना होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कांग्रेस के उच्च सूत्र के हवाले से ये जानकारी मिली है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और सदन में पक्षपात का आरोप लगा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मदुरई ले गई है। बता दें कि बिहारियों के साथ हिंसा के फेक वीडियो बनाने और शेयर करने के आरोपी मनीष कश्यप पर बिहार में 14 जबकि तमिलनाडु में 6 मामले दर्ज किए गए हैं। जहां एक और पूरी दुनिया में मंदी की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, दूसरी ओर भारत एक्सपोर्ट के मामले में नए रिकॉर्ड बना रहा है। सरकार ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि भारत का एक्सपोर्ट 750 अरब डॉलर के साथ लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन वॉर के बाद पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत का एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2020-21 में 500 अरब डॉलर से बढ़कर 750 अरब डॉलर पर आ गया है। अगर आप भी अपने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखकर छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए। सरकार की तरफ से इन दोनों ही योजनाओं में बदलाव की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से छोटी बचत योजना के निवेश करने की प्रक्रिया में ढील देने की तैयारी की जा रही है। सहारा से भी विवाद के 24,000 करोड़ के फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका मंजूर कर लिया है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में सरकार ने कहा था कि सहारा सेबी के 24,000 करोड़ के कुल फंड में से 5,000 करोड़ का आवंटन तुरंत किया जाए ताकि सरकार निवेशकों को उनका पैसा लौटा सके। देश भर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 29 मार्च की रात से उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां नजर आने लगेंगी। वहीं उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत में 30 मार्च से गरज के साथ बारिश का दौर जारी हो सकता है। एमडी के अनुसार बारिश का ये नया दौर 1 अप्रैल तक जारी रह सकता है। केंद्र सरकार ने यात्रियों या सामान ले जाने के लिए आवश्यक परमिट से बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने वाली एक अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को इनकी शुरुआती लागत को कम करने के लिए ईवी पर रोड टैक्स माफ करने की भी सलाह दी है। भारत चीन के बीच पिछले कई वर्षों से डोकलाम को लेकर विवाद चलता आ रहा है। इस बीच भूटान के प्रधानमंत्री के एक बयान देकर भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने कहा है कि डोकलाम मुद्दे पर समाधान ढूंढने पर चीन का भी उतना ही हक है।
इतना भूटान का। उन्होंने कहा कि समस्या हल करने की जिम्मेदारी केवल भूटान की नहीं है बल्कि भारत, चीन और भूटान तीनों की है। भूटान के प्रधानमंत्री ने यह बात बेल्जियम के एक अखबार या लिब्रे को दिए गए एक इंटरव्यू में दौरान कही है। भारत में करोड़ों रुपए की नकली दवाओं के खिलाफ सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों ने बड़ा एक्शन लिया है। कुछ समय से अफ्रीकी और सेंट्रल एशिया के देशों से मिली शिकायत के बाद सरकार ने यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में काम कर रही 18 दवा कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। इसके साथ ही सरकार ने देश भर के 70 दवा कंपनियों पर शिकंजा कसा है। साइबर फ्रॉड के मामले ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हैकर्स और स्कैमर्स एप्स की मदद से लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। बचने के लिए पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं गूगल ने भी इन खतरनाक एप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के कामकाज की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी में शामिल और राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से 500 से अधिक एप्स को I4C की सिफारिश पर बैन कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में भारत का व्यापारिक आयात करीब 16% बढ़कर $710 अरब पर पहुंचने का अनुमान है। आर्थिक विचार समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने बुधवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कच्चा तेल, कोयला, हीरा, रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में वृद्धि इसकी वजह है। पब्लिक सेक्टर के बैंक मार्च 2022 को पूरे हुए 5 साल में 7.34 लाख करोड़ के NPA में डाले गए लोन का 14% ही वसूल कर सके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि 7.34 लाख करोड़ के NPA में से केवल 1.03 लाख करोड़ रुपए की ही वसूली की गई है। वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से जुड़ी जानकारी संसद में दी। उन्होंने बताया कि वसूली के बाद पिछले 5 साल में बट्टे खाते में डाला गया कुल लोन 6.31 लाख करोड़ रुपए रह गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मचा हुआ। इस फैसले के आने के बाद से ही कांग्रेस का प्रदर्शन और बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के सवाल पर जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अभी इस विषय की समीक्षा हो रही है। बीते दिनों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक वकील हेमंत कुमार ने निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त समेत अन्य आयुक्तों को इस बाबत का एक चिट्ठी लिखी थी। अपनी चिट्ठी में वकील ने कहा था कि पार्टी दिल्ली और पंजाब राज्य में सरकार में है, ऐसे में वह राष्ट्रीय दल होने की अर्हता पूरी करती है। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की ट्रॉलियों का संचालन 150 फीट की ऊंचाई से किया जाएगा। इस लिहाज से कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर और गुदौलिया चौराहे पर बनने वाले स्टेशन की ऊंचाई 150 फीट तक होगी। इतना ऊंचाई पर 153 पैसेंजर ट्रॉली कार पूरे रूट पर एक साथ चलेंगी। हर 1.5 से 2 मिनट के अंतराल पर यात्रियों के लिए ट्रॉली उपलब्ध रहेंगी। भारत से अमेरिका जाने वालों के लिए राहत की खबर है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी वीजा हासिल करने के लिए इंटरव्यू के टाइम में बड़ी कमी आई है। मतलब पहले की तुलना में आपको अमेरिका जाने के लिए वीजा इंटरव्यू का लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वीजा सर्विस विभाग के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी जूलियस टफ्ट ने कहा है कि भारत में यूएस वीजा के लिए इंटरव्यू वेटिंग टाइम को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में किए गए प्रयास की वजह से वेटिंग टाइम में 60% की कमी देखने को मिली है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अमेरिकी ने कहा है कि अमेरिका देश में राजनयिक मिशनों और राजनयिक की सुरक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंगलवार को एक समाचार सम्मेलन में अमेरिकी विदेश विभाग के एक उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजनयिक सुविधाओं पर हिंसा की घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा कभी भी विरोध का स्वीकार्य रूप नहीं है। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा ही सुर्खियां बटोरती रहती है। इन दिनों वह अपने बॉलीवुड के बयान को लेकर लगातार चर्चा में चल रही है। प्रियंका ने बॉलीवुड में अपने साथ हुई राजनीति का खुलासा किया तो इससे सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक ने भी सपोर्ट किया है। प्रियंका के इस बयान पर उन्हें कई बॉलीवुड हस्तियों का सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडानी मामले में विपक्ष का JPC मांग को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद आज राहुल पहली बार संसद पहुंचे। राहुल गांधी CPP कार्यालय में लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी MP गिरीश बापट का निधन हो गया। पुणे सिटी से भाजपा सांसद बापट ने 73 साल की आयु में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख जगदीश मलिक ने जगदीश बापट के निधन की पुष्टि की है। बता दें कि 1975 की इमरजेंसी में इन्हें 19 महीने जेल में रहना पड़ा था। गिरीश बापट के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि गिरीश बापट जी एक विनम्र और मेहनती नेता थे जिन्होंने लगन से समाज की सेवा की है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के रिश्तों को लेकर जारी अटकलों को उनके ही साथी ने लगभग कंफर्म कर दिया है। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दरअसल आपके राज्यसभा सांसद
संजीव अरोड़ा ने दोनों को बधाई दी। यह पहली बार है जब किसी आप नेता ने दोनों के बीच रिश्ते को स्वीकार करते हुए बधाई दी। इससे पहले खुद राघव चड्ढा ने सवालों को टालते हुए कहा था कि उनसे परिणीति नहीं राजनीति के सवाल करें। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण पर किए गए भुगतान पर टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से 20 मार्च 2023 तक कुल 157.9 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर एकत्र किया गया है। बता दें कि संसद में यह जानकारी दी गई है। हाल ही में पशुपालन मंत्रालय ने अपने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट में जारी कर दी है। इस वार्षिक प्रकाशन में दूध और ऊन उत्पादन में भारत और इसके राज्यों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। अच्छी खबर यह है कि दूध और ऊन दोनों ही क्षेत्रों में राजस्थान पहले स्थान पर काबिज हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल दूध उत्पादन का 15.5% राजस्थान से ही मिल रहा है। वही भारत के कुल ऊन उत्पादन का 45.91% हिस्सा भी राजस्थान ही दे रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, महेंद्र कुमार एमडी, साकिर हुसैन, रवि शंकर, नौशाद अंसारी, संजय चौधरी, अर्जुन राम और अंशुप्रिया। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, किसान पशुपालन के लिए प्रोत्साहित तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।